ला दिखा दे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सुबह के बज रहे हैं 6। जस्ट मैंने अभी योगा किया है और 5:30 बजे के करीब उठ गई थी मैं, तो अभी थोड़ी देर पढ़ूंगी। लेके बैठी हूँ बुक्स और बैठी काम दिखाओ डाइनिंग टेबल पर। ये देखो गाइस, 10:40 हो गए हैं और अब बना मेरा खाना जाके। ये देखो किचन का हाल दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये हाल हो रखा है। और अभी तो मेरा काम रहता भी है, दूध भी गर्म करना है अभी मुझे, पर मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मैं नहीं तो लिया नहीं लाई और फिर करूँगी दूध गर्म और एक दो ये सेटअप पकड़। तो गाइस खाते हैं खाना। आलू के परांठे बनाए मैंने, ये देखो लस्सी। जा ले ना ले, फिर बैठ गया। तो गाइस 12:45 हो गए हैं, ना आई हूँ मैं, सिर धोया है और ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद में दादा के लिए मैंने सब्जी बनाई अलग से और अब देखती हूँ वो पकी है या नहीं। तो गाइस दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी क्या कह सकती हूँ मैं, अभी थोड़ी सी देर से ही मैं बैठी हूँ आराम से। सुबह से काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था और काम कुम ख़त्म हुआ इतने में दादा के पास बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए और फिर वैसे बातें करते रहे। तो बस थोड़ी सी देर से बैठी हूँ और सुबह दादा ने बहुत जल्दी उठा दिया था, 5:30 बजे उठा दिया था मुझे। तो अभी थोड़ी सी नींद भी आ रही है बट सोने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जेठालाल लगा रखा है। तो फिर देखते हैं, जेठालाल देखूंगी या सोऊंगी थोड़ी देर के लिए। और भाई गया है अभी बाहर आसपास में ऐसे घूमने, तो अभी मैं कर रही हूँ टाइम पास। हाँ पढ़ना भी है वैसे, वैसे तो कुछ देर मैंने सुबह निकाल लिया है, 9 बजे के करीब तक मैं पढ़ रही थी, 5:30 बजे उठी थी तो एक दो बीच में काम किया था बस। और अभी देखती हूँ थोड़ी सी देर रेस्ट करके और फिर थोड़ी देर पढ़ूंगी। और ये अभी लंच किया था, ये खाना के खाने की प्लेट रखी हुई है और थोड़ी देर पहले चाय पी थी मैंने और भाई ने, तो ये रखा हुआ है। मैंने तो पहले पी ली थी बट भाई ने काफ़ी लेट पी थी तो ये अभी तक रखा हुआ है, इनको मैं रख के आऊँगी। और ये टीवी में जेठालाल चला रखा है और ये लैपटॉप में हम अपडेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वाईफाई है, तो वाईफाई से अपडेट कर रहे हैं लैपटॉप को। तो गाइस टी शर्ट चेंज करनी पड़ी मेरे को, मैंने वीडियो बनाई थी ना उसके बाद मैं फ़ोटोज़ क्लिक करने लगी तो मुझे ध्यान आया टी शर्ट पे मेरी इधर वो सब्ज़ी का वो गिरा हुआ था हल्दी तो येलो हो गई, तो मैंने अभी धो के बाहर सुखाई है। और अभी मैं ये खा रही हूँ, बिस्किट मंगवाया था ये फीके वाला, पता नहीं भूख तो मिट्टी नहीं खाना खाने से, तो अभी खा रही हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं आई हूँ मेरे दादा के घर क्योंकि यहाँ से चाचा और सब गए हुए हैं सालासर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे धोख लगाने। और मैं और भाई आए हुए हैं कल रात से यहाँ पे क्योंकि ना यहाँ पे दादा अकेले थे और अकेले अब छोड़ नहीं सकते दादा को, इतनी ज़्यादा हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, प्लस कोई होना भी चाहिए और थोड़ा बहुत खाना वगैरह के लिए भी, तो इसलिए हम दोनों आ गए थे और आज शाम को जाने वाले हैं वापस। जब वो लोग आ जाएंगे तब शाम का बज रखे हैं गाइस 4:30 और हम निकल चुके हैं यहाँ से प्रसाद लेके। ये आगे जो बैठी हुई है मेरी कज़न है और ये जो गाड़ी चला रही है मेरा भाई। और हम लोग जा रहे हैं अब फिलहाल ना यहाँ पे झुग्गी वाले कुछ लोग रहते हैं उनको ना प्रसाद बाँटने के लिए। अंकल कौन है? अंदर ले दिखा दे।
तो गाइस अब निकल लिया है घर के लिए। ये लैपटॉप लाइफ ही है, मैंने पैरों में रख रखा है पीछे। डर था ऐसे ही लील के और ये कहीं टूट ना जाए। के खुशी न कुड़िए लान ते लाके किथे चलनी है।